Hello and good morning to all of you, and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I'm going to explain you non-linear partial differential equation first order. Okay bache, this is the first video of this chapter. In this you just have to study four standard form of the question. ओके आपको इस चैप्टर में सिर्फ फोर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने हैं बच्चे. सो हम इस वीडियो में हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखेंगे. ओके सो फर्स्टली वी विल सी द रूल्स एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन. ओके सो लेट स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स. ओके सो लेट स्टार्ट. और आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से. मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं. फेसबुक पेज की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी बच्चे. दिस इज द कम्प्लीट फॉर्मेट ऑफ योर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके आपका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका फॉर्मेट है कि आपको कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा एंड आपको कैसे इसको सॉल्व करना है. ओके सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन. व्हाट इट मींस दैट आपका जो भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड का उसमें सिर्फ पी और क्यू की टर्म्स दी होंगी बच्चे. ठीक है, या ऐसे अगर आपको जेड की टर्म भी दी हो उसमें क्वेश्चन पे तो वो जेड फॉर्मेट कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा एंड आपका सिर्फ पी और क्यू की टर्म ही बचेगी. ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चे उसका क्या फॉर्मेट है कि पी और क्यू के फॉर्मेट पर भी आपको क्या मिलेगी, क्वेश्चन की फॉर्मेट मिलेगी. जब आप चारों फॉर्मेट पढ़ लोगे बच्चे तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे हर फॉर्मेट को, आपको आराम से बन जाएगा. ओके नाउ अभी टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है. जब आप चारों फॉर्मेट पढ़ लोगे देन आप खुद डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि दोनों में चेंजेस, तीनों चारों में चेंजेस क्या है. ओके सो नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा हमें. एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन इज दिस, जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन. ओके नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू. हाउ, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को अगर हम बच्चे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे देन व्हाट वी विल गेट. जब आप इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे सो दिस जेड विल गिव यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स. ओके एंड फ्रॉम द आरएचएस साइड से सिर्फ बच्चे ए एक्स वाला ही टर्म क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा एंड बाकी के जितने भी टर्म्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो वैल्यू देंगे. दैट्स वाई हमारा आफ्टर डिफरेंशिएशन व्हाट वी विल गेट दिस वैल्यू. ओके एंड आपको मैंने इसके प्रीवियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ाया था कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होती है पी. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पी लिखा है. या तो आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखिए या फिर आप डायरेक्टली पी लिखिए, बोथ आर सेम. सिमिलरली क्यू वाली इक्वेशन के साथ भी होगा, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है क्यू. ओके एंड जब आरएचएस साइड पे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ वाई वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, लेफ्ट विल बी जीरो. अंडरस्टैंड बच्चे. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. जब आप इनका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे देन योर नेक्स्ट स्टेप इज बी इज इक्वल्स टू फाइव ए. दिस इज द फॉर्म ऑफ योर सॉल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर सॉल्यूशन. तो जो भी आपका फॉर्मेट आएगा बच्चे ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा अपने आप. जब आप क्यू और पी की वैल्यू या ए और बी की वैल्यू अपनी इक्वेशन पर रखेंगे यू विल चेंज दैट फॉर्मेट इनटू दिस फॉर्मेट. ठीक है, आपको उन वैल्यूज को इस फॉर्मेट पे चेंज करना है जहां बी यहां पर एलएचएस साइड पे हो एंड रिमेनिंग टर्म विल बी कॉल्ड एज फाइव ए. ओके और इसी फाइव ए की वैल्यू बच्चे आपको इस इक्वेशन पे रखनी है एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. ओके सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट. ओके इसके बाद आपको एक जनरल इंटीग्रेशन निकालना होगा और सिंगुलर पॉइंट वैल्यू निकालने आपको डिफाइन कर दिया जाएगा कि क्वेश्चन पे ही कि इसका जनरल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिए या फिर आप इसका सिंगुलर पॉइंट निकालिए. ठीक है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे कैसे निकालना है, बट फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फर्स्ट यही है हमारा फॉर्मेट. ओके सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन.
So this is the standard format of your question. Okay, solve PQ is equals to 1. Okay, so this is the format. Now solve this value. बच्चे आपको ये एक बात ध्यान पे रखनी है, जो भी आपको गिवन है आपके क्वेश्चन पे, आप हमेशा आपके सॉल्यूशन के स्टार्टिंग पे उसको अलग से डिफाइन कर दीजिए, गिवन करिए, ठीक है? आपके नंबर एक्स्ट्रा बढ़ते हैं उस चीज से, ठीक है? सो हमने लिखा है गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 1, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब हमने सॉल्यूशन माना है कि कंप्लीट सॉल्यूशन जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. ओके, दिस इज फ्रॉम द फॉर्मेट. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी विल गेट ए. ओके, एंड हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह पर हमने पी रखा है और ए की जगह पर ए है. सिमिलरली हम नेक्स्ट टाइम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह पर हमने क्यू रखा है बच्चे, एंड बी की जगह पर बी है. ठीक है, नाउ हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल गई है जो कि हमारे क्वेश्चन पे डिमांड थी. अब हम यहाँ पी और क्यू की वैल्यू पी की जगह पर ए एंड क्यू की जगह पर बी इस हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट दिस. ओके, कहाँ से आया बच्चे? ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन पे हमने पी और क्यू की वैल्यू रखी है, वहां से आया है. ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बी. ओके, मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मेट पे कि q इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चे, फाइव ए होना चाहिए. ठीक है, आपको इस फॉर्मेट पे चेंज करना होगा इस इक्वेशन को. सो आप देख सकते हैं यहाँ से ए हम ट्रांसफर कर देंगे, नाउ हम बी इज इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज योर फाइव ए वैल्यू. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, हमारी इक्वेशन सेकेंड, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से, जैसे हमको क्या मिल गया बच्चे, फाइव ए की वैल्यू मिल गई. अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्या करेंगे, फाइव ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट्स इट. तो यही किया है हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट था और यहाँ हमने फाइव ए की वैल्यू पुट कर दी है, वन अपॉन ए. ओके, सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन विच हैज ओनली टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए एफ सी. और जो हमें अब लास्ट में हमारी इक्वेशन मिली है उस पर सिर्फ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और सी. ठीक है, यहाँ पर हमारा बच्चे हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होता है, बट अगर आपको दे देगा कि जनरल इंटीग्रेशन या फिर सिंगुलर पॉइंट निकालिए गिवन क्वेश्चन का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है. सो फॉर द जनरल सोल्यूशन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, सी इज इक्वल्स टू फाइव ए. ओके, इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, जो फाइव ए है वो हमारा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट फंक्शन है. किसका आर्बिट्री फंक्शन है? किसका बच्चे? ए का. ठीक है, नाउ हमारी लास्ट वैल्यू यहां पर हमें मिली थी ना, है ना, हमारी इक्वेशन थर्ड से. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी, यहां से हमें ये वैल्यू मिली है, यही इक्वेशन हमने यहां पर रखी है बच्चे. बट वो इक्वेशन क्या थी, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन अपॉन ए वाई प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन थी. बट इन दी प्लेस ऑफ सी हमने अब भी एज्यूम किया है फाइव ए, दैट्स वाई इन दी प्लेस ऑफ सी वी विल पुट फाइव ए. अंडरस्टैंड यहां से आया है फाइव ए. नाउ हम कंप्लीट इक्वेशन को क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चे, एंड यू विल गेट दिस. जब भी जेड विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट होगा, दिस विल गिव यू जीरो एंड दिस विल गिव यू ओनली एक्स, दिस विल गिव यू. बच्चे ये माइनस में कैसे आया, आपको डिफ्रेंशिएशन आई होप बनता होगा, बिकॉज वन अपॉन ए इज गिवेन. नाउ हम वन अपॉन ए को लिख सकते हैं माइनस ए इनवर्स. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डी बाय डी एक्स ऑफ ए इनवर्स? ओके, सो डी बाय डी एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चे माइनस, यू कैन से हियर, ओके, ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन डी टू डी डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए टू द पावर एन माइनस वन. ठीक है, ये होगा. तो अब देखिए यहाँ पर एन की जगह पे माइनस वन है अगर, तो आप यहाँ पर देखिए ए की जगह एन की जगह पर क्या रखा है, माइनस वन रखा है. ठीक है, सो दिस विल गिव यू माइनस वन ए टू द पावर माइनस वन एंड माइनस वन, दिस विल गिव यू व्हाट, माइनस वन ए टू द पावर माइनस टू. नाउ वी कैन राइट इट एज माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर. तो यही चीज हमारी यहाँ पर आई है बच्चे, अंडरस्टैंड कि कैसे आई है वैल्यू. ठीक है, इसको आप फाइव को विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल गिव यू फाइव ए. ओके, नाउ डिफरेंशिएट, हमको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, सिंगुलर पॉइंट निकालना है, उसके लिए हमारी जो इक्वेशन थर्ड आई थी
जो यही इक्वेशन थी इससे पहले जहां पर सी लिखा हुआ था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो पहले थी वो, उसको विथ रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट करोगे. एंड आपको पता है सी वाली टर्म यहाँ पर कौन सी है, एलएचएस में कोई भी नहीं है. बच्चे देखिए, सी वाली टर्म एलएचएस में कोई भी नहीं है, यही हमारी थर्ड इक्वेशन है. आपने हमने अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है. नाउ जेड वाली हमारी कोई भी टर्म नहीं है, इट मीन्स ये जीरो देगा. एंड हमारी आरएचएस साइड पे जेड वाली सिर्फ एक ही टर्म है सी, जो कि डिफरेंशिएट होने के बाद आपको वन देगा, ठीक है. सो हेंस द सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस बिकॉज ये वैल्यू डिफरेंट है. ओके, सो बच्चे बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या है कि जो भी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए बी सी, वो सारे कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है. एट लास्ट आपको सिर्फ एक एलिमिनेट रख एक ही एलिमेंट रखना है आर्बिट्ररी, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर सिर्फ ए ही बचा हुआ है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग.